Assalamualaikum friends, welcome back to another vlog. तो आज का हमारा vlog होने वाला है बहुत ज़्यादा interesting और हम आ गए हैं आपको लेके Foods Inn जो कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पे located है. इस रेस्टोरेंट का ambience बहुत ही ज़्यादा हसीन है. तो जी हम आपको लेके आ गए हैं इनके वेटिंग एरिया में. ये है इनका वेटिंग एरिया. हम यहाँ पर वीकडेज में आए थे, आपको यहाँ रश नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अगर आप वीकेंड पे आएंगे तो आपको पहले से रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा रश होता है कि आपको वेटिंग में ही एक डेढ़ घंटा निकल जाता है. अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप यहाँ पर रिजर्वेशन पहले से करवा के आएँ. अब हम जा रहे हैं फूड्स इन के सेकंड फ्लोर की तरफ. सेकंड फ्लोर का छोटा सा विज़िट करवाने के बाद हम चलेंगे थर्ड फ्लोर की तरफ. तो ये हम आ गए हैं इनके थर्ड फ्लोर पे. तो जी थर्ड फ्लोर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हसीन बना हुआ है और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत इनका रूफ टॉप है. अगर आपको अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशन करनी है, कोई भी पार्टी अरेंज करनी है, उस लिहाज से ये रेस्टोरेंट बेस्ट है. थर्ड फ्लोर का अच्छी तरह से विज़िट करवाने के बाद हम आ गए हैं रूफ टॉप की तरफ. तो आप देख सकते हैं इनका रूफ टॉप कितना ज़्यादा हसीन बना हुआ है और रूफ टॉप से भी ज़्यादा खूबसूरत इनका डेक है. जब भी हम आते हैं तो हम प्रीफर वहीं करते हैं बैठने का. तो जी हम चल रहे हैं डेक की तरफ. यहाँ पर ये है इनका सेल्फी पॉइंट. जब भी आप आएंगे यहाँ पे आपको ज़रूर रश मिलेगा क्योंकि ये जगह सेल्फी लवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है. तो जी आप इंजॉय करें यहाँ के नज़ारे, उसके बाद हम चलेंगे सिटिंग की तरफ. और हाँ, एक जो मेरा सजेशन है आप लोगों को कि आप जब भी यहाँ आएँ तो इवनिंग के टाइम में आइएगा, सनसेट होने वाला हो उस टाइम में आएँ तो यहाँ आपकी पिक्चर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा औसम आएंगी और व्यू भी बहुत ही ज़्यादा लश आएगा. सही है, तो आपने जब भी आना है इवनिंग में आना है, कोशिश करना है कि आप इवनिंग में आएँ. अपना ऑर्डर देने के बाद हमने सोचा क्यों ना अब कुछ वीडियो डेक से भी बनाई जाए. तो इन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैं बिज़ी थी वीडियो बनाने में ताकि आपको यहाँ की हसीन हसीन सी जगहें दिखा सकूँ. आप देख सकते हैं अब सेल्फी पॉइंट पे कितना ज़्यादा रश हो गया है. अब हम जा रहे हैं आपको बाहर का व्यू दिखाने के लिए. तो देखें यहाँ से व्यू बाहर का कुछ इस तरह का लगता है. वीडियो बनाते बनाते हमारा फूड भी आ चुका था. तो जी हमने ऑर्डर किया था सिंगापुरियन राइस और पिज़्ज़ा फ्राइज. तो हम लोग क्योंकि शाम में गए थे, हमें भूख इतनी ज़्यादा नहीं लगी हुई थी, लेकिन यहाँ की जो स्टीक है वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है. जब भी आप आएँ स्टेक को भी ज़रूर ट्राई करें. लेकिन हमने यहाँ के मंगाए थे सिंगापुरियन राइस, फूड्स इनके स्पेशल हैं, और हमने मंगाई थी पिज़्ज़ा फ्राइज. तो जी इनके चेहरे पे आप देखिए कितनी ज़्यादा खुशी आ गई है खाने को देख के. अब ये आपको बताएंगे टेस्ट करके कि आप इनको यहाँ के सिंगापुरियन राइस कैसे लगे. तो जी इन्होंने तो थम्स अप दे दिया है. अब आगे बढ़ते हैं हम पिज़्ज़ा फ्राइज की तरफ. तो पिज़्ज़ा फ्राइज के बारे में इन्होंने कोई रिव्यू नहीं दिया, बस एक स्माइल पेश कर दी है. यहाँ का फूड एज़ यूजुअल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, लेकिन मैं फूड को नंबर दूंगी 9 out of 10 और एम्बियंस को नंबर देने हैं आपने. तो आप मुझे देख के ज़रूर बताइएगा वीडियो कि आपको यहाँ का एम्बियंस कैसा लगा. तो जी अब है हमारे चलने का टाइम.
तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू रेस्टोरेंट के साथ या फिर न्यू जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तो जाते जाते आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स भी दीजिएगा। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।